एक गांव था, वहां एक चुड़ैल रहती थी। लोगों का मानना था वहां चुड़ैल रहती है। अरे चमन, क्या तुम जानते हो वहां भूत रहती है? अरे हाँ चमन, भूत तो रहती है। भूत वूत कुछ नहीं होता है, सिर्फ भ्रम है तुम लोगों का। आज ही मैं 12 बजे रात में वहां पे जाऊंगा। तो चमन जा ही रहा था भूत के पास 12 बजे, तब तक उसको बहुत डर लगने लगा। उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डरते डरते कैसे कैसे बचते बचाते तक जो है वो गुफा में पहुंचा। गुफा में बहुत अंधेरा था। जब वो गुफा पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा में तो चुड़ैल थी, और चुड़ैल उसको नाच के मार दी। फिर उसके दोस्त उसको बचाने चले गए। अरे क्या हुआ होगा उसके साथ? अरे कुछ नहीं हुआ होगा। अरे अमन, तुम लोग कहाँ चले गए? अरे पुलिस, बाकी अरे लोग अरे नहीं थे बाप जो रे, बचाओ कोई! उसके साथ आ अरे रहे थे, और मैं ये हवा में हवा में कैसे उड़ने उड़ने लगा लगा? था। आह श्याम, आह मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आह हमें क्या करना चाहिए? गांव वाले लोग गायब हो रहे हैं। ठीक है चलो, शायद तांत्रिक बाबा हम लोग को बचा लेंगे। वो लोग अंधेरी रात में तांत्रिक के पास जा ही रहे थे, और रात का 3 बज रहा था। तब तक जब तक वो पहुंचे, तब तक वहां सुबह हो चुकी थी और सूरज आ चुका था। अरे बताओ, क्या समस्या है तुम लोगों की? हमारे गांव वाले लोग गुम हो रहे हैं, और शायद उन्हें चुड़ैल खा रही है। या ठीक है, वो तांत्रिक के साथ भूत चुड़ैल के पास जाने के लिए निकल गए थे, और उन्हें गुफा भी दिख रही थी। और जब उन्होंने गुफा के अंदर देखा तो वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। अरे सेठ जी तो दिख ही नहीं रहे थे जो थे। और तांत्रिक बैठ के और मंत्र पढ़ने लगा, और चुड़ैल को दर्द होने लगा। तब तक चुड़ैल उठ के फिर से नाचने लगी, और तांत्रिक गिर गया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने चुड़ैल को मार दिया। और कहानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखें।